अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और भगवान राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मध्य भारत के 25 लाख से ज्यादा परिवारों को निमंत्रण दिया जाएगा। इसके लिए अयोध्या राम मंदिर में पूजित अक्षत घर घर पहुंचाए जाएंगे। राम मंदिर का पुनर्निर्माण और उसका उद्घाटन भारत के इतिहास का सबसे गर्व करने वाला दिन होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर अयोध्या में आगामी जनवरी में होने वाले राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त मध्य भारत प्रांत के 25 लाख से अधिक परिवारों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके लिए श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत कलश हमारे मध्य भारत प्रांत आ चुके हैं। इस पूजित अक्षत कलश का जिला सह वितरण कार्यक्रम भोपाल के गुफा मंदिर में रखा गया, जिसमें पूज्य साध्वी महामंडलेश्वर प्रज्ञा भारती, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रांत संघ चालक अशोक पांडे और अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ संगठन के 32 जिलों के प्रतिनिधि पूजित अक्षत कलश अपने जिलों में ले गए। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 जनवरी को भूमि पूजन करेंगे और उसके लिए अक्षत कलश पूरे देश में जो निमंत्रण है वो भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर आज राजधानी भोपाल के लाल घाटी में जो गुफा मंदिर है, यहाँ से कलश यात्रा जा रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या कार्यक्रम रहेगा ये? ये कार्यक्रम हर हिंदू को, हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के घर पर घर जाकर उनको निमंत्रित करने का है। हमारी प्राचीन परंपरा है, सनातन में हम घर पे लोगों को जाकर अक्षत देकर निमंत्रित करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप पधारें। ऐसे ही ये एक अद्भुत कार्यक्रम, विश्व के महान कार्यक्रमों में से एक इसको ले सकते हैं कि बहुत ही विशाल मंदिर बनने जा रहा है, रामलला उसमें विराजमान होने जा रहे हैं और इस पवित्र अयोध्या नगरी में सभी लोगों को दर्शन करने के लिए, अपने जन्म को कृतार्थ करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि परिवार सहित आएं और भगवान रामलला के दर्शन करें। 45 भागों में बांटा गया है, ये कौन कौन से हैं? 32 जिले हैं हमारे, लाहार, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, लश्कर, डबरा, दतिया, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इस तरह से यहाँ तक बैतूल, मुलताई तक हमारे ज़िले हैं, हरदा भी उसमें कवर होता है। तो ऐसे मध्य प्रदेश को 3 प्रांत में बांटा गया है, मालवा, महाकौशल और मध्य भारत प्रांत। यहाँ पे आज मध्य भारत प्रांत का कार्यक्रम ये रखा गया है। इस मध्य भारत प्रांत में 32 जिले हैं, 32 जिलों से हमारे प्रखंड में और खंड में ये अक्षत जाएंगे और सभी कार्यकर्ता हर घर में जाकर पूरे समाज में के लोगों से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग रामलला के दर्शन करने के लिए इस पवित्र पावन नगरी अयोध्या में पधारें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्या भूमिका रहेगी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इसमें? ये संकल्प तो विश्व हिंदू परिषद का ही है, अयोध्या में राम लला विराजमान हो, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए पूरा संघर्ष विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ही हुआ है और आज हम भाग्यवान है कि हम लोगों की मेहनत सफल हुई और हम इस पीढ़ी को ये दर्शन करा पाएंगे कि भगवान उनके घर में विराजमान हो जाएं। 495 वर्षों के संघर्ष के बाद, न जाने कितनी प्राणों की आहुतियों देने के बाद आज ये अवसर आया है कि हम लोग सब समाज को लेकर वहाँ पे अयोध्या में जाएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। आगामी सांसद के चुनाव भी हैं, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा इससे? देखिए, चुनाव तो इस देश में होते रहते हैं, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म जो है लोगों को अपने जीवन जीने की कला देता है, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए, आध्यात्म में चलना चाहिए। हमारे जीवन को शांति और संतोष देने के लिए धर्म आवश्यक है। राजनीति एक अलग विषय है, वो क्या करेगी, राजनीति कैसे हो, उससे हमें मतलब नहीं। हम तो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद जो है पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए, उनके जागरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है और करता रहेगा। ये विश्व हिंदू परिषद जागरूकता के लिए काम करता है और करता रहेगा, ये कहना है। और भी कुछ लोग हैं, साध्वी जी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती दुबे हमारे साथ हैं। जी जी, राम मंदिर के लिए न्योता दिया जा रहा है, क्या कहेंगी? ये बहुत अच्छा प्रसन्नता का दिवस है। आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी राम भक्त हैं उनके बीच में चावल वितरण नहीं हो रहा है, अक्षत वितरण हो रहा है। अक्षत का अर्थ होता है जो खंडित ना हो,
भारत को अखंड बनाने के लिए ये जो चावल अक्षत दिया जा रहा है, 5 करोड़ लोगों के 50 लोगों के बीच में ये वितरण होगा। 50 लाख मंदिरों के अंदर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का हमने वो दृश्य तो नहीं देखा, परंतु ये जो आज 22 जनवरी को जो भगवान के मंदिर का निर्माण में भगवान प्रतिष्ठित होंगे, ये भगवान श्री राम का अद्भुत जन्मोत्सव होगा और हम इसके लिए सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी होंगे। और राम जन्मभूमि पर जो ढांचा गिरा था उसके भी हम साक्षी थे, गिराने में भी हम साक्षी रहे और बनाने में भी हम साक्षी रहे। और भगवान मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के कार्यकाल में उनके कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण, भगवान अब टाट से उठ करके ठाट से विराजमान होंगे। भगवान श्री राम की दिव्य भव्य प्रतिमा के लिए भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं, 22 जनवरी को समस्त ग्रामों में मंदिरों में राम जी के इस उत्सव को मनाया जाएगा। और जितने ये चावल अक्षत वितरण किया जा रहा है, इस अक्षत वितरण के अंदर गली गली गांव गांव में जिन्होंने 1 रुपया भी श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए चंदा दिया है उनके लिए आमंत्रित किया जाएगा। पूरे भारतवासियों को, राम भक्तों को इस मंगल उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राम। ये थी हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती दुबे, जिनका कहना है कि हमने राम मंदिर के ढांचे को तोड़ गिरते हुए देखा है और अब राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे। 22 जनवरी का जो अद्भुत नजारा रहेगा वो देखने लायक रहेगा। कैमरामैन आमंत के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।